लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ, और छोटे छोटे जो एल क्लासिकोज होते हैं, जो पंजाब, राजस्थान, फिर हमने देखा कोलकाता, बेंगलोर, अब असली द रियल एल क्लासिको ऑफ आईपीएल, चेन्नई वर्सेस मुंबई, दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स अगर आप टाइटल्स की भी बात कर लें और उनकी कंसिस्टेंसी की बात कर लें, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा मिक्स्ड रहे इनकी कैंपेन्स। और अब सवाल आज ये रहेगा और बात हम ये करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी तो बड़ी जल्दी अपनी गलतियों से सीख गए, रोहित शर्मा जो इंडिया के भी वनडे वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी तो उन्हीं के पास है, कप्तान है, T20 की भी कप्तानी करी, क्या वो भी अपनी गलतियों से सीखेंगे या नहीं? तो विक्रांत सर जुड़ चुके हैं, अनिल सर भी हैं, दीपक भी हैं, तो पूरा डिस्कस करेंगे। और आपसे शुरू करते हैं सर, क्या जो हम लगातार एक चर्चा कर रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा मैचअप्स और बहुत ज्यादा अनयूजुअल टैक्टिक्स, उसमें हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी तक भी फंस गए जब उन्होंने पहले मुकाबले मोइन अली से बॉल नहीं करवाया, लेकिन मुंबई को बहुत ज्यादा जरूरत है कि अप फ्रंट आप जोफ्रा आर्चर को अनलीश करिए, लेकिन वो भी उनको संभाल कर रख रहे हैं। पता नहीं आजकल मुझे मुंबई के डगआउट को देख के लगता है कि शायद वो बांध बांध के रखते हैं अपने कप्तान को, हालांकि कप्तान उनके कौन है जिन्होंने मतलब कप्तानी में पांच पांच टाइटल्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोर देन सबक मुंबई को चाहिए 1-2-3 का स्टार्ट, 1-2-3 का स्टार्ट चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपके सूर्य कुमार यादव, ईशान और रोहित शर्मा के रन नहीं होंगे, बल्कि आपको कभी कभी क्या होता है हार के जो अच्छी चीज या सीखने को मिलता है, इनको मिला होगा, इनको तिलक वर्मा मिले, तिलक वर्मा बहुत अच्छा, वो जिस तरह से बैटिंग कर गए, कभी कभी क्या होता है कि आप 1-2-3 बंदे बंदे रहते हैं, खिजे खिजे रहते हैं कि यार नीचे कोई नहीं है, उस तरह के नाम नहीं है ना जो किसी जमाने में होते थे, नाउ दे कैन से यार ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो है तिलक वर्मा, बिल्कुल हो सकता है तिलक वर्मा ने रन बनाए अगले मैच में टिम डेविड भी बना दें, सो ऊपर वालों को वो क्रिकेट खेलनी है जो वो खेलते थे। ईशान नो डाउट स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका स्ट्रगल बढ़ता ही जा रहा है, किसी भी दिन उनकी एक बड़ी पारी आ सकती है, लेकिन उनको एक कंसिस्टेंसी दिखानी है। मैं थोड़ा सा इस मैच में अगर आप मुझसे पूछें, और आप क्योंकि एक्सचेंज 22 पे आज इसको खरीदना है, मैं खरीद कर बेच देना है, मैं 100 बार खरीदूंगा सूर्य कुमार यादव 100 बार खरीदने का मैं रिस्क लूंगा, उनकी प्राइस जितनी मर्जी हाई हो मैं उनको लूंगा और 100 मल्टीपल में लूंगा, क्योंकि मुझे पता है अब सूर्य कुमार यादव का वक्त आ गया है, क्योंकि वो हो गया, और आई थिंक इनको पहले मैच और इस मैच के दौरान जो वक्त मिल गया शायद उन्होंने भी इस बात को समझा होगा, बोला ना कल एबी डिविलियर्स ने कि यार उनको ये समय होगा हर मैच में वो 45 बॉल में 100 नहीं बना सकते, कभी कभी आपको 60 बॉल में भी 100 बनाने हैं, तो उसको भी आप समझें। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव इज द की, और सूर्य कुमार यादव ने रन बना दिए तो मुंबई चेन्नई के ऊपर भारी पड़ेगा। सर अभी आपने बोला ईशान किशन, एक ना एक दिन उनके रन जरूर आएंगे, लेकिन एक दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले साल इंडिया खेल रहे तो एक ना एक दिन नहीं होना, 15-15.5 करोड़ उनका प्राइस है सर, कई बार फ्रेंचाइजी पे दबाव भी रहता है कि यार इतने पैसों में ले रखा है इनको खिलाते हैं देखते हैं, लेकिन पिछले साल हमने देखा वो नहीं निकाल पाए थे किसी तरीके से भी ईशान किशन को, इस साल इनके पास ऑप्शन है, डेवाल्ड ब्रेविस हमने देखा कि वो तैयारी कर रहे थे, इसके अलावा कैमरून ग्रीन एक ऑप्शन है। देखिए मुंबई का कप्तान कौन है जो इंडिया का भी कप्तान है, रोहित शर्मा, तो रोहित मुझे नहीं लगता कि इंडिया कंटेंडर, इंडिया के एक प्लेयर को पहले मैच की फेलियर की बिना पर टीम से ड्रॉप करना चाहेंगे, बिकॉज देखिए इंडिया जब आप खेल रहे होते हैं तो और बहुत से प्लेयर हैं बड़े और छोटे जो इंडिया कंटेंडर होते हैं या इंडिया खेल रहे होते हैं वो भी फेल होते हैं, वो तो ड्रॉप नहीं होते, कंटिन्यूअस अगर फ्लॉप सो चला, मैंने पिछले साल का एग्जांपल इसलिए दिया, मुझे लगता है कि पिछले साल को भुला दे अगर मुंबई तो बेहतर है, क्योंकि इसी साल को ले, और ईशान किशन भी भुला दें somehow, मैंने जो कहा ना बंदे बंदे ये टॉप थ्री ये लग रहे हैं, they have to unleash themselves, बट जो बात सर आपने कही है और वही अनिल सर पर भी आएंगे, और क्योंकि एक्सचेंज 22 में तो यही जो एक मैचअप की भी हम बात करते हैं भाई, देखने पड़ते हैं कौन से दिन बल्लेबाजों को ज्यादा खरीदा जाए, कौन से दिन गेंदबाजों को ज्यादा खरीदा जाए, या कौन से दिन किसी को बेच दिया जाए, अपना भी फायदा होना चाहिए, बिल्कुल उसी लिहाज से, क्योंकि चेन्नई की बॉलिंग लाइनअप वहां पर थोड़ी सी हमने दिखा कमजोर नजर आई है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग यूनिट वहां पर अभी भी उनके पास जवाब नहीं है उस तरीके से, जो हमने देखा था कि पिछला मुकाबला भी एक तरीके से ये था कि बच गए आप लखनऊ की तरफ से, थोड़ी सी स्ट्रेंज टैक्टिक्स, बैटिंग ऑर्डर क्या कुछ हुआ वो सारी चीजें हमने देखी थी, पर यही इनके पास मौका है कि भाई रोहित शर्मा भी, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्या, चलो फिर भी हम कह रहे हैं कि T20 तो फॉर्मेट में लगातार रन बना रहे हैं, तो ये बॉलिंग अटैक पकड़कर अगर यहां पर रन लगा देंगे तो अर्ली ऑन आपको स्टार्ट जो चाहिए, जो थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, उस लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कई बार तो चाहते हो आप जरूर बहुत कुछ करना लेकिन हो नहीं पाता। एक मूवी आई थी क्रांति दोनों आई है, उसमें एक डायलॉग था कि तमाचे की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। अच्छा, और जो तमाचे लगे हैं चाहे वो सूर्य कुमार को हो
चाहे वो कौन सी फिल्म बोला आपने, क्रांतिवीर और क्रांति दोनों आई है वैसे आई थिंक तो। कर्मा में थी कर्मा में आई थी वैसे ही कुछ ना आज आप डॉक्टर डैंग ने बोला था आज अपनी मेमोरी बेच दीजिए देखो मुझे इतना याद है डॉक्टर डैंग ने बोला था इनकी मेमोरी आज एक्सचेंज बेच दीजिए 70s 80s तक का सर का मार के उनको थप्पड़ बड़ा उन्होंने लगा इस तमाचे की 70 80 का सर का पूरा सिलेबस तैयार है तमाचे की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी बाबू मोशाय पे जोड़ लेते हैं बाबू मोशाय जो तमांचे लगे हैं भाई साहब चाहे वो ईशान किशन हो सूर्य कुमार हो इंक्लूडिंग रोहित शर्मा वो इतनी जल्दी रोहित शर्मा का मैं मानता हूँ उन्होंने देखा है अपनी करियर में ऊपर नीचे और उनका करियर तो रहा ही ऐसे ऐसे आसान नहीं होगा सूर्य कुमार के लिए भी वहां से वापसी करना आसान नहीं है ईशान किशन के लिए भी वापसी करना हैविंग सेड दैट पर यही तो बोलिंग लाइनअप है ना आप सूर्य कुमार का तो चुनेंगे क्योंकि आज के चार महीने पहले तक उनकी तूती बोल रही थी दुनिया में लेकिन मनोज कभी कभी होता है कि आपका पर्पल पैच चार साल नहीं चलता है आपको एक साल के लिए होता है वो दो साल के लिए होता है डेढ़ साल के लिए होता है हु नोज कि सूर्य कुमार का वो आया और फिर से आने में वक्त लगे थोड़ा लेकिन आप हमारी टीम की बात कीजिए जो चेन्नई है उसकी तरफ से एक खिलाड़ी को मैं पहला खिलाड़ी जिसको बेचने के लिए खरीदूंगा सर वो है मिस्टर इम्पैक्ट प्लेयर तुषार देश पांडे By the way, अपने घर पर होंगे वो मुंबई में जो भी हो और जिस मर्जी हो जिस मैदान जहां भी हो भारी में दो मैचों में वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं और उन्होंने दूसरी टीम के लिए इंपैक्ट छोड़ा है अपनी टीम के लिए नहीं छोड़ा है सो मच सो कि 217 रन आप डिफेंड कर लेकिन अनिल सर तुषार देश पांडे को आप सेकंड हाफ में नहीं देख रहे हैं कि उस मैच में अगर किसी ने दूसरा तीसरा मैच जो उनका ओवर था जब शायद 18 पर 44 टाइप इक्वेशन हो गई थी वहां पर आकर उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए थे तो ठीक है नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि जो वो एक्स्ट्रा से अच्छे जो एमएस ने बोला ना पिछले मैच में वार्निंग अभी अब अगर नो बॉल इतनी फेंकी नो बॉल तो उन्होंने कहा फेंकनी नहीं है वाइडिंग कम करनी है और दूसरा वही अगेन जो हम वो चेन्नई और मुंबई वाला डिस्कशन भी कर रहे हैं दीपक उसमें भी है ना कि अगर देखो कोई उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं या फिर कोई उनको कम नहीं आकर बट देन अगेन आपको लग रहा है कोई अगर फास्ट बोलिंग यूनिट अभी है जिसको आकर आप जो रोहित शर्मा जैसा नाम ईशान जैसी फ्लैम्बॉयंस अग्रेशन और सूर्य कुमार यादव जैसा 360 डिग्री और सब कुछ चीजें उनके लिए अगर कोई चाहिए कि फॉर्म में आने के लिए तो ये पेस अटैक है बिल्कुल और मुंबई का ग्राउंड है तो स्पिनर्स भी ऐसा नहीं कि जी बहुत ज्यादा उस तरीके से प्ले में रहेंगे परेशान कर देंगे उनको और एकदम और स्पिनर उस दिन थोड़ा बार तुषार की जैसे आप बात कर रहे हैं ना वो खुद भी सीख रहे हैं आपने उनका अगर बाद में प्रेजेंटेशन में सुना उन्होंने खुद बोला कि यार मैंने नो बॉल डाली जो कि धोनी बोल रहे हैं सही भी बात है आप नो बॉल नहीं डाल सकते और सर जो उन्होंने अपना तीसरा ओवर या चौथा ओवर डाला उसमें बहुत उन्होंने और आपको याद होगा लास्ट ईयर जब मुकेश चौधरी आए थे स्टार्टिंग के मैचेस उनके भी अच्छे नहीं गए लेकिन बाद में वही टीम के लिए एसेट बनकर आए दीपक तुषार देशपांडे आईपीएल के लिए नए नहीं है और डोमेस्टिक सर्किट के लिए नए नहीं है डोमेस्टिक सर्किट इस साल बड़ा अच्छा था उनका 50 प्लस विकेट लिए और प्रॉब्लम यही है तो ऐसा खेलेंगे आप बोलोगे कि यार ये बंदा खेलता क्यों नहीं है मैच हर मैच क्यों नहीं खेलता और अगले तीन मैच वो ऐसे खेलेंगे एक मैच खेलेंगे अगले तीन मैच ऐसे खेलेंगे आप बोलोगे यार कहां रख लिया था नहीं ये बात है कि जो डोमेस्टिक और आईपीएल का जो हमने काफी इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स में देखा है और तुषार देशपांडे ऐसा नहीं कि रेड व्हाइट में बड़ा अच्छा किया उन्होंने व्हाइट बॉल में बट देन वो समहाउ आईपीएल आता है तो उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाते अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकिन अनिल सर का फेवरेट टॉपिक और सर आपसे जानना चाहूंगा कि आज एक्सचेंज 22 पर आप बेन स्टोक्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं 100% खरीद रहा हूं बट उनकी बैटिंग पोजीशन को क्यों ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है तो बिल बेच देते हैं फिर अगर मैं वही नहीं मैं वही करूं इंपेशेंट मत होइए बेन स्टोक देखिए ब्लू चिप इज ब्लू चिप अब रोज मेरे को ताने मारे जा रहे हैं सर ये बताइए जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो वो एंट्री करने का भी एक बहुत इजी वक्त होता है और मुंबई का ग्राउंड वैसे उनको रास तो मैं वही कह रहा हूं ना स्टॉक जब आपका नीचे जा रहा है बट आपको मालूम है कि ब्लू चिप है तो ज्यादा खरीदिए ब्लू चिप आज बेन स्टोक्स जब शुरू हुए थे एक्सचेंज 22 पे और आज उनकी प्राइस गिरी होगी तो मैं तो उनको 100% बाय करूंगा ही करूंगा बिल्कुल मैं जैसे सूर्य कुमार यादव के मल्टीपल 100 बार उनको चुनूंगा मैं बेन स्टोक्स को शायद 2 बार चुनू या 5 बार चुनू वो मेरी मर्जी है लेकिन मैं बेन स्टोक्स को रखूंगा उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछे मैं ऋतुराज तो खैर ऑब्वियसली आप वो तो आंख बंद करके आप उनको खरीदिए रायडू दोनों टीमें रायडू की दोनों टीमें हैं मुंबई भी चेन्नई भी मोइन अली से अच्छा है इन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो आपको अगर आप उनको बाय करते हैं तो आपको दोनों तरफ एक अपॉर्चुनिटी रहती है रविंद्र जडेजा का अभी इतना इस्तेमाल नहीं हुआ बॉलिंग उनकी वो दिखी नहीं है बैटिंग वो उनका इस्तेमाल नहीं हुआ तो मैं एक रिस्क लेता हूं और मैं रविंद्र जडेजा को सेल करता हूं सेल करेंगे आज
वही है कि थोड़ा सा बैटिंग पोजीशन वाइज भी जो हम एक बात कर रहे हैं कि पिछली बार भी जो हमने देखा था कि चीजें हम कह रहे थे कि शायद थोड़ा सा डिफरेंटली करें वो, आप बेन स्टोक्स को सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, आपने दोनों ऑलराउंडर्स पर निशाने पर हैं आपके, रविंद्र जडेजा भी और साथ ही साथ वहां पर बेन स्टोक्स भी कर ही रहे हैं, तो आईपीएल की बाकी सारी टीमें एक तरफ, बाकी सारे खिलाड़ी एक तरफ। मेरी लाइन शुरू होती है चेन्नई के तीन खिलाड़ियों से, वो है ऋतुराज गायकवाड़, वो है रविंद्र जडेजा, वो है एमएस धोनी, एक दो तीन, उसके बाद दुनिया आगे पीछे लगती है, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों को तो मैं बाय करूंगा। विदेशी जो खिलाड़ी हैं उनके, उनमें से मोइन अली को मैं बाय करूंगा, बेन स्टोक को बाय करूंगा टू सेल। ओहो, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई वो टेस्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वनडे के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, टी ट्वेंटी क्रेडेंशियल्स, जितना उनका नाम है, जितना रेपुटेशन है, उतने वो है नहीं, और अभी तक तो दिखे भी नहीं दोनों मैचेस में। यूटिलाइजेशन वाली भी एक चीज है, क्योंकि टी ट्वेंटी में भी आके अगर आपका यूटिलाइजेशन कम लगता है, नहीं नहीं चार नंबर में, वही कह रहा हूँ, अभी कभी कभी होता है कि चार नंबर पर आते ही ना है। हो सकता है कि आज की जो हम गेम की बात करें, बेन स्टोक्स ही जितवा दे, निकाल दे, बट एक होता ना कि आपको मैक्सिमम निकालना अपने किसी प्लेयर का। जैसे मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान रॉयल्स से जो सौ मारा हुआ है, पुणे से जो सौ मारा है, वो अगेन आपने ऊपर बैटिंग करते हुए मारा हुआ है, तो आप बेन स्टोक्स को जितनी ज्यादा बॉलें दोगे वो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो वाला गेम शायद उनका कि आते ही वो कि पांच बॉल पर 18 मार दिए, दो छक्के एक चौका, इस तरीके की चीज हो जाए, थोड़ा सा अभी उस तरीके का नहीं देखा है। बट हाँ, अगेन आप जब इतने बड़े खिलाड़ी हो, इतनी बड़ी टीम के कप्तान, जो बेसबॉल लेकर आ गए हो, सब कुछ लेकर आए हो, देन अडेप्ट। हम ये कहते हैं कि ग्रेट प्लेयर्स क्या होते हैं, उनको डिफरेंशिएट ये कहते हैं भाई कि सिचुएशन कंडीशन वो हर जगह अडेप्ट कर जाते हैं। तो आई थिंक बेन स्टोक्स को उस फ्रंट पर फिर बेहतर दिखाना होगा। बार बार ये रोना नहीं गा सकता मैं भी कि नहीं यार 1-2-3 खिला दो, 10वें ओवर में इन कर दो, सिचुएशन बैटिंग कभी भी आ सकती है। द ओनली थिंग मनोज, कि हमने देखा है सूर्य कुमार की केस में भी कि एडॉप्टेशन इतना आसान भी नहीं होता। आप वो टी ट्वेंटी में उन्होंने आग लगाई हुई थी और उनको लक बाय चांस ही वनडे में जब मौका मिला एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बेन स्टोक्स और सूर्य कुमार से कोई तुलना नहीं है, बेन स्टोक्स ने कुछ मैचेस जिताए भी हैं, लेकिन कुछ ही मैचेस जिताए हुए बल्ले से और गेंद से इंग्लैंड को, चूंकि उनकी टीम बहुत फाड़ू है जो बेसबॉल क्रिकेट आप बोल रहे हैं, तो उनको उनकी उस अवतार की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि आप जाओ। नहीं, आई थिंक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में चेंज और वनडे में चेंज किया है इंग्लैंड को। टी ट्वेंटी इंग्लैंड ऑलरेडी पटाखा था, टी ट्वेंटी तो इंग्लैंड ऑलरेडी था, इनफैक्ट वनडे भी मेरा मानना है कि इंग्लैंड एक पटाखा टीम पहले से ही थी, जिसमें बेन स्टोक्स वाज अ कंट्रीब्यूटर। टेस्ट क्रिकेट में मानता हूं कि बेन स्टोक्स ने वो माइंडसेट बदला अपनी कप्तानी में, एंड एज अ लीडर बदला है, आई थिंक वहां पर वो हुआ। लेकिन एक्सचेंज 22 जो है वो exchange22.com से डाउनलोड होता है, या फिर आप इसी चैट की इजी है कि इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड करें। आप जानते हैं होता क्या है कि अगर आप का प्लेयर आप बाय और सेल का लोगों को बता दूं, सपोज कीजिए एक बड़ा प्लेयर, उसकी बाइंग प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी, फर्ज कीजिए 30 है आपकी बाइंग प्राइस, आपने बाय कर लिया, अब उसकी परफॉर्मेंस 30 से ज्यादा है तो जितना ऊपर जाएंगे आपका मुनाफा है, लेकिन अगर 30 से कम है उतना आपका नुकसान है। सिमिलरली जब हम कहते हैं सेल, तो वो आप थोड़ा उसकी कीमत कम होती है सेल करने में, 20 पे आपने उसको सेल में बाय ही करना है, लेकिन अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपका नुकसान है। तो आप चाहते हो कि उस दिन वो अच्छा परफॉर्म ना करे, 20 से कम करे, तो आपका मुनाफा हो। तो ये आप सोच समझ के इस तरह टीम बनाइए। बट वानखेड़े स्टेडियम में मैच है, तो अगेन जब ये चेन्नई में खेलते हैं डिफरेंट, और जब ये मुंबई में खेलते हैं, मैं चेन्नई की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी टीम अलग हो जाती है। और जोफ्रा आर्चर आज क्या होगा, कि मतलब वेटिंग गेम चलेगा या फिर अनलीश कर दो डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि ऋतुराज कॉनवे अगेन ये ओपनिंग जोड़ी आप तोड़ते तो ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा काम आपने एटलीस्ट 50 नहीं बोलोगे तो 30% का। दो बातें हुई ना, एक तो जोफ्रा को रोक के रखा, सामने वाली टीम ने रन बना दिया, दूसरा जोफ्रा जब आए तो पिटे, गिव हिम दी व्हाइट चेरी, नॉट व्हाइट चेरी व्हाटएवर, दे दो व्हाइट लीची, दे दो। चार ओवर के बाद यूजफुल रहते भी नहीं आपके लिए, क्योंकि चार ओवर में अगर 40 खा लेते हो तो जोफ्रा भी पिटेंगे, और जोफ्रा को नया बॉल डालना पड़ेगा। वो वाला फैक्टर भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जोफ्रा आर्चर तो अनयूजुअल, सपोज गुडलेंथ से भी उनका जो बॉल चढ़ता है तो वो बाउंस वाला फैक्टर। देखो कॉनवे भी माकुड मुंबई में थोड़ा मिलेगा उन्हें, वानखेड़े में माकुड वैसे ही आउट हुए, फिर आपका राइडू, शिवम दुबे, मोइन अली, ऐसे बैटर्स हैं जो आपको शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो देन अगर आप अप फ्रंट जोफ्रा आर्चर को बोले यार कि ओपनिंग पार्टनरशिप पहले तो तोड़ दो, और उसमें से अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है ऋतुराज की विकेट। ऋतुराज ने इस बार ऐसे शॉट्स मारे हुए हैं ना,
नहीं बट स्टार्टिंग में पेस के अगेंस्ट अनिल सर, पेस के अगेंस्ट आप स्ट्रगल बोलते थे उन्हें, तो लेकिन अब ठीक है रुतराज पेस स्पिन दोनों के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं। एक ही चीज जो लगती है वो जो सबके लिए है कि लेफ्ट आर्मर अच्छा आता है और जो जेसन बेहरनडॉर्फ के ऑप्शन वहां पर है, हालांकि राइली मेरिडिस को भी जो है मुंबई ने जोड़ लिया है। अब ये भी देखते ना कि क्या चेन्नई भी कुछ चेंज करता है, अब मगाला होंगे वहां पर, हमें वही कह रहा हूँ कि अभी क्या समझते हुए कह रहे कि फास्ट बोलिंग में जरूरत है, क्या एक मगाला को ऐड करेंगे, प्रिटोरियस को लेकर फिटनेस को लेकर अलग अलग बात हो रही है, देन आपको कॉल में भी सेंटनर, अगर आपको लगता है कि वहां पर ले जाते हुए हम शायद स्पिन को उतना ना कराएं, सेंटनर बेहतर बोलर है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू रविंद्र जडेजा, बट देन आपके पास एक लेफ्ट आर्म की ऑप्शन रहेगी कि अगर जरूरत पड़ती है वो डाल दें, फिर आपके पास इंपैक्ट प्लेयर की भी ऑप्शन है, सेंटनर आप बाहर करोगे तो फिर आप तीन दो स्पिनर रखोगे और एक मोइन अली और आपके रविंद्र जडेजा हो जाएंगे, और देन अगर कल को जब इंपैक्ट प्लेयर और फिर वो है कि उसमें आपको मगाला की एडिशन हो जाती है, प्रिटोरियस का अगर फिटनेस वाइज वो सब कुछ ठीक है तो उनका वो बैक बॉल, बोला कि अगर रोहित शर्मा कप्तान है और वो मुंबई के कप्तान है और मुंबई न जाने क्या कर रही है आजकल की अपने मेन खिलाड़ियों को पीछे, मुझे लगता है कि मोर देन द मुंबई टीम मैनेजमेंट एंड ऑल आजकल ये रोहित, और कल भी आपने मैच में देखा जहाँ पे आपको स्पिनर से शुरुआत करनी चाहिए थी कोलकाता के कप्तान ने पेसर्स वाले, कुछ कप्तानों में अनयूजुअल करने की वो एक छटपटाहट है और अपने घोड़ों को अस्तबल में खुद ही रख रहे हैं रोहित शर्मा, बट वो कप्तान की ही कॉल है या फिर उस, ये भी एक डिसीजन है, वो कंफ्यूज है, वो हर जगह कंफ्यूज है और थोड़ा भी ये तो एक चीज रही है सर, और आई थिंक पिछले पूरे साल कंफ्यूज थे ना वो, आप ये बात बोलते थे कि एक कैप्टेंसी की भी एक क्या लाइफ शेल बोलते हैं उसको कि शेल्फ लाइफ चार पांच साल, हाँ जो हमने देखा कि चाहे एशिया कप जब रोहित शर्मा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई थी कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस तो थे बट हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, जैसे दीपक हुड्डा वाला मैटर था, फिर और भी चीजें बड़ी अनयूजुअल सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पर शायद मे बी एक तो हार और वो जो जिस मैनर में वो टूर्नामेंट गया तो रोहित शर्मा के पास जवाब थे भी नहीं किस तरीके से, तो वो भी चीज आई थिंक उनको जल्द से जल्द अगर वो कर ले फिगर आउट, अदरवाइज कप्तानी का आपने बोला सर, मेरा इसमें ये भी सवाल है कि कप्तान के पास जो आइडियाज होते हैं वो अपनी कप्तानी को लेकर एक विचार बनाता है जब आता है वो एक कप्तान के तौर पर, तो कहीं ऐसा नहीं कि जितना कर सकते थे रोहित शर्मा उनकी वो शक्ति ये कह सकते हैं कि वो खत्म हो गई, अब इनके पास कोई नए विचार नहीं है कि मैं कप्तानी में नया क्या लाऊं, जब अच्छी होती है तो यार कप्तानी थोड़ी आसान हो जाती है, हालांकि ये भी हकीकत है कि डॉन ब्रैडमैन की 48 की टीम में फिर अच्छी थी तो ये थोड़ी है कि ब्रैडमैन हल्के कप्तान थे तो तभी आपको सफलता भी मिली, क्लाइव लॉयड, रिकी पॉन्टिंग, जैसे माइक ब्रैडली थे सर, उनका कहते थे कि कप्तानी से ही वो निकाल देते थे, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी और वो एक ब्रीफ पीरियड के लिए उन्होंने इंग्लैंड की टीम को जिताया, तो ऐसा नहीं कि इंग्लैंड को उन्होंने वर्ल्ड बीटर बना दिया, वेस्ट इंडीज वर्दी, बट रोहित का अब जब आपकी टीम चली गई है, रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं, ऑब्वियसली आपकी टीम की परफॉर्मेंस डिप करेगी, बट ये ना भूलें कि मुंबई जो है दो तीन साल पहले तो जीता ही है ना, बिल्कुल तीन साल पहले जीता ही है, रोहित की दिक्कत ये आ रही है मेरे ख्याल से उनकी अपनी बैटिंग, अगर उनके बल्ले से रन आएंगे ऑटोमेटिकली ऊपर से रन बनेंगे, अच्छा हुआ ये भी ना कि रोहित के रन नहीं है, सूर्य कुमार यादव के रन नहीं है, उनके भी नहीं है, ईशान किशन के रन नहीं है, और नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या और पलार नहीं है, और आई थिंक सर जो बोलिंग फ्रंट में होता था ना ट्रेंट बोल्ट बोलिंग वो तो कमजोर है, आप कभी एक साल बुमराह के बिना हो, एक साल आप जोफ्रा आर्चर, पांच बड़े प्लेयर भी तो नहीं है ना, लास्ट बोल रहे हैं जो जीते वहां पर ट्रेंट बोल्ट बुमराह की पेयरिंग, देन अगेन आपका पोलार्ड और हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या, आप अप फ्रंट जब दो आउट करते हो ना किसी भी टीम को तो रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, और आपकी टीम का वो जब एक वक्त चल रहा होता है तो सब आपसे डर रहे होते हैं, आज थोड़ा सा आपको लगता है जैसे चेन्नई है बहुत बड़ी टीम है बट देन आपको हर मैच में सेंस होता है कि आज ये 200 रन पड़वा सकते हैं, मुंबई आपको सेम चीज लगती है कि कितने बनाओगे और कितने फिर बचा सकते हो, तो आप लेगेसी जो अपनी क्रिएट करते हो जो एक अच्छे के लिए बनाते हो कभी कभी वो थोड़ा सा बुरे वाले में भी थोड़ा वो बनता रहता है, अब जैसे दिल्ली के मुकाबले जब रह रहे हैं हमें तो हम दिल्ली की भी बात उसी तरीके से कर रहे हैं, आज दिल्ली का मैच है फिर से जैसे अब मिच मार्च में वहां पर अवेलेबल नहीं है, देन वही है कि अब राजस्थान दिल्ली में आपको लगेगा कि ठीक है इस बार थोड़ा ज्यादा पंगा है अनअवेलेबिलिटी इंजुरी, हाँ इस बार टीमों के टीमें चुने जाने के बाद ये सब जो हुआ है वो थोड़ा सा, लेकिन जो भी है खैर मजा तो आ ही रहा है, और अभी इजाजत ले लेते हैं क्योंकि 2:30 बजे वापस आप लोगों के साथ प्रीव्यू में जुड़ना है, तो आप लोग प्लीज हल्ला बोलना है उस टाइम पर, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक्सचेंज 22 को इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके गो, तो आप लाइक भी करना है वीडियो को अगर आपको पसंद है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज आप किसके साइड हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला देखा जाता है ना इसको, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अभी आपसे इजाजत लेते हैं, 2:30 बजे प्रीव्यू के साथ मुलाकात होगी।